हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनेक डॉट स्टडी हब। आई एम अभिषेक एंड आज की इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने वाले हैं। बिहार बोर्ड की तरफ से 2021 में यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया था। ज्योग्राफी का यह पेपर था और यह जो हमारे पास क्वेश्चन पेपर है उसका बुकलेट कोड है ए। अगर आपके पास ए बी सी डी या अन्य कोई दूसरा भी हो तो आप इससे मिलान कर सकते हैं। सभी इस प्रश्न जो होंगे आगे पीछे हो सकते हैं, बल्कि सभी सेम ही होंगे, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर नहीं है तो चिंता नहीं करें, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको पीडीएफ इसकी चाहिए तो हम दे सकते हैं। ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता दें कि आपको पीडीएफ चाहिए तो यस लिख कर हमें कमेंट करें। ठीक है, तो हम चलेंगे सीधा प्रश्नों की तरफ। यह हमारा जो पेपर होगा ज्योग्राफी का है, 2021 में पूछा गया है बिहार बोर्ड की तरफ से ऑफिशियली, आप देख सकते हैं। इस प्रश्न पत्र में आपको 3 घंटे 15 मिनट का टाइम मिलने वाला है। जो 15 मिनट होता है वो क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए और देखने के लिए होता है, तो 15 मिनट ऐसे ही आपका निकल जाएगा। 3 घंटे आपके पास टोटल देखा जाए तो मेन टाइम होता है। इसमें जो प्रश्न होंगे 70 ऑब्जेक्टिव होंगे और 20 शॉर्ट क्वेश्चन और 6 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। टोटल देखा जाए तो 96 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो चलिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं इंस्ट्रक्शंस हैं कैंडिडेट्स के लिए, तो आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। आगे हम चलेंगे सीधा प्रश्नों की तरफ। जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा 2 खंडों में विभाजित होगा, सेक्शन ए जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन होंगे और सेक्शन बी जिसमें थ्योरिकल होंगे सब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन होंगे। तो इस वीडियो में हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को ही सॉल्व करेंगे, अगला जो वीडियो आएगा वो उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लिया जाएगा। ठीक है, हम चलें सीधा प्रश्नों की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न कहता है संभववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। आपके ऑप्शन है ए प्राकृतिक घटक, बी मानवीय घटक, सी ए और बी दोनों, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो संभववाद की अवधारणा में प्राकृतिक घटक और मानवीय घटक दोनों को महत्वपूर्ण माना गया है, और जो संभववाद की अवधारणा है उसको दिया किसने, तो एक वैज्ञानिक है फ्रांस के रहने वाले थे फ्रेवे जिसका नाम था, इन्होंने ही संभववाद की अवधारणा का मूल्यांकन किया। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन होगा ए और बी दोनों, प्राकृतिक घटक और मानवीय घटक। अगला प्रश्न है विश्व के सघन जनसंख्या क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र सम्मिलित नहीं है। आपके ऑप्शन ए पश्चिमी यूरोप, बी दक्षिण पूर्व एशिया, सी दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, या फिर डी उत्तर पूर्व उत्तरी अमेरिका। तो जो सघन जनसंख्या पूछ रहा है, विश्व में सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र कौन शामिल नहीं है। जो पश्चिमी यूरोप है ये भी बहुत सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं, जो कनाडा और अलास्का वाला जो क्षेत्र है ये उत्तर पूर्व अमेरिका वाला, दक्षिण पश्चिम दक्षिण पूर्व एशिया में देख लिया जाए तो भारत हो गया, भारत श्रीलंका भूटान ये सब जो देश हैं बहुत सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं। लेकिन यहाँ जो इसका प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, उस इलाके में बहुत ही विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं और बहुत जो लोग रहते हैं बहुत दूर दूर रहते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है। आपके ऑप्शन है ए रहन सहन की अच्छी दशाएं, बी अनुकूल जलवायु, सी रहन सहन की निम्न दशाएं, या फिर डी शांति एवं अस्थायित्व। तो यहाँ समझिए जन स्थानांतरण क्या होता है। तो जन स्थानांतरण मीन्स लोगों का एक जगह से दूसरे जगह चले जाना, प्रवास करना ही जन स्थानांतरण होता है। अपकर्ष कारक, अब अपकर्ष कारक क्या होता है, तो लोग जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उसके दो कारक होते हैं, एक तो अच्छा कारक जिसे हम अपकर्ष कारक कहते हैं, लोग रोजगार की तलाश में जाते हैं, शिक्षा की तलाश में जाते हैं, बेहतर स्वास्थ्य की तलाश में जाते हैं। एक होता है प्रतिकर्ष कारक जो उल्टा होता है, जैसे वैसी जगह होते हैं जहाँ राजनीतिक उपद्रव हो, रोज लड़ाई झगड़े होता हो, मारपीट होता हो, पर्यावरण अच्छा ना हो, रोज वहाँ पे भूस्खलन जैसी स्थितियाँ होती हों, बर्फ गिरती हों। तो ये दो तरह के कारक होते हैं, अपकर्ष और प्रतिकर्ष कारक। तो पूछ रहे अपकर्ष कारक यानी अच्छा कारक नहीं है, तो रहन सहन की अच्छी दशाएं तो है, अनुकूल जलवायु भी है तो ये भी सही है, शांति है उस जगह पर माहौल अच्छा है तो ये भी है, लेकिन निम्न दशाएं रहने सहने की अच्छी दशा ही नहीं हो, निम्न दशा हो, निम्न क्वालिटी हो, तो ये जो ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है ऑप्शन सी। अगला है विश्व के किस देश की जनसंख्या सर्वाधिक है। आपके ऑप्शन है ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी भारत, सी चीन, या फिर डी इंडोनेशिया। तो विश्व में देखा जाए तो जो चीन है, चीन की जनसंख्या भी सबसे ज़्यादा है, और कुछ ही वर्षों में भारत भी
इनको पीछे कर देगा और भारत भी पहला जनसंख्या, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला पहला देश बन जाएगा। तो अभी फिलहाल चीन ही इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा होने वाला है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन एकल कृषि नहीं है? ए मिश्रित कृषि, बी डेयरी कृषि, सी रोपण कृषि, या फिर डी व्यापारिक अनाज कृषि। तो एकल कृषि किसे कहते हैं इसे समझिए। एकल कृषि में जिसे सिर्फ उसी कृषि को किया जाता है, जैसे डेयरी कृषि है, तो डेयरी कृषि में केवल और केवल दूध का उत्पादन ही किया जाता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं किया जाता। रोपण कृषि में केवल रोपण फसलों को ही उपजाया जाता है, और व्यापारिक अनाज कृषि में केवल जो व्यापार करने योग्य फसलें होती हैं, जैसे गेहूं, चावल, मक्का, इन चीज़ों को ही उपजाया जाता है। लेकिन जो मिश्रित कृषि है, मिश्रित कृषि एकल कृषि नहीं है, क्योंकि मिश्रित कृषि में कृषि भी तो किया जाता है, अनाजों को तो उपजाया जाता है, साथ साथ पशुपालन, मधुमक्खी पालन, खन जैसे अन्य चीज़ें भी कर ली जाती हैं, तो इसे मिश्रित कृषि कहते हैं। ठीक है, यानी मिली हुई जुली चीज़ें इसमें किया जाता है, ये एकल कृषि नहीं है। ठीक है, मिश्रित कृषि को ही एक मिश्रित कृषि एकल कृषि नहीं होती है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन रोपण फसल नहीं है? आपके ऑप्शन है ए कॉफी, बी गेहूं, सी गन्ना, या फिर डी रबड़। तो रोपण फसल नहीं है गेहूं, गेहूं एक रबी फसल है, और इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा। अगला है, विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पादक कृषि नहीं की जाती, आपको बताना है किन क्षेत्रों में नहीं की जाती। आपके ऑप्शन है ए प्रेरी क्षेत्र में, बी स्टेपी क्षेत्र में, सी पंपास क्षेत्र में, या फिर डी अमेजन बेसिन क्षेत्र में। तो विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पादक कृषि नहीं की जाती है अमेजन बेसिन में, और यह जो इलाका है अमेजन बेसिन वो दक्षिण अमेरिका वाले भाग में आता है, जिसमें वेनेजुएला, कोलंबिया, पेरू और ब्राजील जैसे देश होते हैं, देश हैं। और यह जो अमेजन बेसिन है 40% दक्षिण अमेरिका का भाग को कवर करता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, अमेजन बेसिन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करता है? आपके ऑप्शन है ए आधारभूत उद्योग, बी कुटीर उद्योग, सी स्वच्छंद उद्योग, या फिर डी छोटे पैमाने का उद्योग। तो आधारभूत उद्योगों के लिए, आधारभूत उद्योग जो है छोटे उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करता है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है, निम्नांकित में कौन तृतीय क्रियाकलाप है? आपके ऑप्शन है ए खेती, बी व्यापार, सी बुनाई, या फिर डी अखेट। अखेट मीन्स शिकार करना होता है। ठीक है, तो तृतीय क्रियाकलाप है व्यापार, व्यापार तृतीय क्रियाकलाप है। वहीं देखा जाए तो खेती खेती प्राथमिक क्रियाकलाप है, बुनाई बुनाई एक तरह का निर्माण है, तो ये द्वितीय क्रियाकलाप हो जाएगा, और जो अखेट है शिकार करना ये प्राथमिक क्रियाकलाप होगा। जो पूछ रहा है हमारा प्रश्न क्या है कि तृतीय क्रियाकलाप है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, व्यापार। आगे चलते हैं, पूछता है निम्नलिखित में कौन द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है? ए मछली पकड़ना, बी लौह प्रगलन, लौह प्रगलन मीन्स लौह ही का उगलाना, सी वस्त्र निर्माण, या फिर डी टोकरी बनाना। तो द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है मछली पकड़ना। मछली पकड़ना क्या है, तो मछली पकड़ना एक प्राथमिक क्रियाकलाप है। लौह प्रगलन लोहे को गलाना, उसे रड बनाना, छड़ बनाना, ये प्राथमिक द्वितीय क्रियाकलाप है। और वस्त्र निर्माण द्वितीय क्रियाकलाप है, टोकरी बनाना भी द्वितीय क्रिया, यानी जिस किसी भी चीज का निर्माण किया जा रहा हो, उनका प्रोडक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर किया जा रहा हो, उसका निर्माण किया जा रहा हो, तो उसे हम द्वितीय क्रियाकलाप में रखते हैं। तो मछली पकड़ना किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं है, बल्कि इसको किया जा रहा है, जैसे कृषि की जाती है, पशुपालन किया जाता है, उसी तरह से मछली पकड़ना है जो द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है, बल्कि ये प्राथमिक क्रियाकलाप है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है, ट्रांस महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग जोड़ता है? ए वैंकूवर को सेंट जॉन से, बी चेंगडू को लालहासा से, सी एडमोंटन को एनकोरेज से, या फिर डी डार्विन को मेलबोर्न से। तो ट्रांस महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग जोड़ता है डार्विन को मेलबोर्न से। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। और यह दुनिया का जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, 14,500 किलोमीटर, यानी 14,500 किलोमीटर यह लंबा है स्टुअर्ट महामार्ग। इस प्रकार इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, डार्विन को मेलबोर्न से। अगला है, पनामा नहर जोड़ती है, किसे जोड़ती है? आपको बताना है ए प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से, बी कैरेबियन सागर को मैक्सिको की खाड़ी से, सी प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से, या फिर डी अटलांटिक महासागर को हिंद महासागर से। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से, ये पनामा नहर जो होती है।
इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, विश्व के प्रमुख समुद्री पतन है ए नौसेना पतन, बी तेल पतन, सी विस्तृत पतन या फिर डी औद्योगिक पतन। तो जो नौ समुद्री पतन है विश्व के प्रमुख समुद्री पतन नौ विस्तृत पतन ही है। जो कन्फ्रेंसिव पोर्ट्स हैं इन्हें ही विस्तृत पतन है जो समुद्री पतन कहलाते हैं। ठीक है, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में महाद्वीपों में किससे विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रवाह होता है। आपके ऑप्शन है ए एशिया महाद्वीप से, बी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से, सी यूरोप से या फिर डी अफ्रीका से। तो पूछ रहा है कि किस महाद्वीप से सबसे ज़्यादा विश्व व्यापार होता है। तो आपको बताना है ऑप्शन जो सी हो जाएगा, यूरोप, यूरोप महाद्वीप से विश्व का सर्वाधिक व्यापार होता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, ओपेक जिसे हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का मुख्यालय कहाँ है। आपको बताना है ए वियना में, बी जकार्ता में, सी हनोई में या फिर डी जिनेवा में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, वियना में। अगला प्रश्न है, झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा। आपके ऑप्शन है ए आयताकार, बी अरिये, सी वृत्ताकार या फिर डी तारा, तारा के आकार, ताराकार। तो जो झील होता है गोल टाइप से होता है, तो गोल झील के चारों ओर झील के किनारे किनारे जो गांव जो बस्तियां बस जाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। एक तरह से देखने में लग रहा है कि वृत्ताकार, यानी वृत्ताकार ही इस प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है। इस प्रकार इसका सही उत्तर होगा वृत्ताकार, क्योंकि जो झील के चारों ओर लोग बस जाते हैं, बस्तियां बसा लेते हैं, कस्बे बन जाते हैं, तो इस प्रकार इसकी जो आकृति दिखने में लगती है वृत्ताकार हो जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक नगर है। आपको बताना है ए जेरूशलम, बी पिट्सबर्ग, सी बीजिंग या फिर डी एम्स्टर्डम। व्यावसायिक नगर जहाँ से व्यापार होते हों, व्यवसाय होते हों, उत्पादन होता हो, इंडस्ट्री हो। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम है कहाँ, तो एम्स्टर्डम है नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है। और पिट्सबर्ग की बात करें तो ये रूस में पड़ता है, और वहीं बीजिंग चाइना की राजधानी है, चीन की राजधानी बीजिंग है, और जेरूसलम इसराइल में पड़ता है। तो इस प्रकार जो व्यावसायिक नगर है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी एम्स्टर्डम, जो नीदरलैंड में है। अगला प्रश्न है, उत्तर अटलांटिक मार्ग जोड़ता है। आपके ऑप्शन है ए उत्तरी अमेरिका को यूरोप से, बी उत्तरी अमेरिका को अफ्रीका से, सी यूरोप को एशिया से या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर अटलांटिक मार्ग जोड़ता है उत्तरी अमेरिका को, जो नॉर्थ अमेरिका को यूरोप से जोड़ता है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार के कृषि का विकास किया गया था। आपके ऑप्शन है ए मिल्पा, बी रोपण कृषि, सी मिश्रित कृषि या फिर डी अंगूर की खेती। तो जो यूरोपवासी थे जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, डच, ये सभी यूरोपवासी थे, और जिन देशों को इन्होंने गुलाम बनाया था उसे उपनिवेश कहते हैं। जैसे भारत इन लोगों को उपनिवेश था, तो भारत में भी उपनिवेश समझिए कि यूरोपवासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में यानी जिन देशों को इन्होंने गुलाम बना रखा था उन देशों में किस प्रकार के कृषि का विकास किया। तो इन्होंने रोपण कृषि का विकास किया था। इस प्रकार इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी रोपण कृषि। अगला प्रश्न है, खट्टे फलों की कृषि संबंधित है। आपके ऑप्शन है ए मिश्रित कृषि से, बी रोपण कृषि से, सी भूमध्य सागरीय कृषि से या फिर डी सहकारी कृषि से। तो जो खट्टे फलों की कृषि है वो संबंधित है भूमध्य सागरीय कृषि से। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। ये तो बड़ा ही सरल प्रश्न है, आप आसानी से बता सकते हैं। आपके ऑप्शन ए कैनबरा, बी अदिस अबाबा, सी बीजिंग या फिर डी पर्थ। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनघनत्व जनसंख्या घनत्व था। ए 1126 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, बी 1006 व्यक्ति वर्ग प्रति वर्ग किलोमीटर, सी 906 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर या फिर डी 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 2011 की जनगणना के अनुसार देखा जाए तो बिहार का जनसंख्या घनत्व है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा।
लेकिन यही अगर रहे बिहार की जगह पे भारत कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था, तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो बदल जाता, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाता है इसका सही उत्तर। खैर आगे चलते हैं। भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई थी? आपको बताना है ए 1881 में, बी 1901 में, सी 1781 में, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत में पूर्ण जनगणना हुई थी 1881 में, लेकिन वही पूछे कि भारत में पहली जनगणना कब हुई, तो 1872 में हुई और पूर्ण जनगणना 1881 में, लेकिन पूछे कि स्वतंत्र भारत में पूर्ण जनगणना या फिर स्वतंत्र भारत में जनगणना कब हुई, तो इसका फिर हो जाता उसका आंसर 1951, 1951 हो जाता। तो इस प्रकार इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए होगा, 1881 में भारत में पूर्ण जनगणना हो गई थी। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय आबादी है, आपके ऑप्शन है ए 31.16%, बी 35.16%, सी 36.16%, या फिर डी 37.16%। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 31.16%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो नगरीय आबादी शहरों में रहने वाली जो जनसंख्या है 31.16% है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत में कृषि प्रवास का मुख्य कारण है? आपके ऑप्शन है ए विवाह, बी व्यवसाय, सी काम और रोजगार, या फिर डी शिक्षा। तो भारत में जो पुरुष प्रवास हो रहा है उस पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है काम और रोजगार। जो पुरुष हैं, जो हमारा जो क्या बोलते हैं उसको, जो युवा वर्ग है वो काम की तलाश में ही एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं, एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं, एक गांव से दूसरे गांव जा रहे हैं। तो इनका जो मुख्य कारण है प्रवास का, ये काम और रोजगार ही है। काम की तलाश में ही, अच्छे रोजगार की तलाश में ही एक जगह से दूसरे जगह बड़े शहरों में जा रहे हैं, और इन्हें गंदी बस्तियों में भी रहना पड़ रहा है, स्लम एरियाज में रहने पड़ रहे हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, काम और रोजगार भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है। अगर यही पूछता पुरुष की जगह पर स्त्री रहता कि भारत में स्त्री प्रवास का मुख्य कारण क्या है, तो विवाह हो जाता, क्योंकि जो स्त्री हैं उनको विवाह करके अपने मायके कह रहे हैं, उनको ससुराल जाना होता है। तो इस प्रकार उनका जो स्थानांतरण होता है, उनका जो प्रवास होता है वो विवाह के कारण ज्यादा होता है। तो उस स्थिति में क्या होता है, इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाता है विवाह होता। लेकिन पूछ रहा है कि भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण क्या है, तो काम और रोजगार सही उत्तर होगा। ठीक है, इस प्रकार इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, काम और रोजगार। अगला है, निम्नलिखित राज्यों में किसका 0 से 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात निम्नतम है, यानी सबसे कम है 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चे बच्चियों में? आपके ऑप्शन है ए हरियाणा, बी गुजरात, सी पंजाब, या फिर डी है हिमाचल प्रदेश। तो 0 से 6 आयु वर्ग में आपकी पुस्तक में दिया हुआ है पंजाब और हरियाणा दोनों। यहाँ पे ऑप्शन सी रहता या फिर डी रहता कि ए और सी दोनों, खैर इसमें दिया हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी आप ये दोनों को मानकर चलें कि हरियाणा भी इसका सही उत्तर होगा और पंजाब, ये दोनों सम्मिलित रूप से होंगे 0 से 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात निम्नतम इन दोनों शहरों में, लेकिन नहीं दिया हुआ है इनका सटीक ऑप्शन, इसलिए आप पंजाब मान सकते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किस में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है? आपके ऑप्शन है ए तमिलनाडु, बी महाराष्ट्र, सी गोवा, या फिर डी केरल। तो 2011 की जनगणना के अनुसार देख लिया जाए तो नगरीय जनसंख्या, ध्यान रहे यहाँ पूछ रहा है नगरीय जनसंख्या, यानी शहरों में जनसंख्या कहाँ ज़्यादा रहती है, तो महाराष्ट्र इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का प्रमुख कारण है? आपके ऑप्शन है ए अवनालिका अपरदन, बी मृदा लवणता, सी वायु अपरदन, या फिर डी सिल्ट का जमाव। सिंचित क्षेत्र मीन्स वैसे क्षेत्र जहाँ थोड़ा नमी हो, जहाँ की मिट्टी गीली हो, उस स्थिति में कह रहा है कि मृदा का जो निम्नीकरण हो रहा है उनके क्या कारण रहे हैं। तो मृदा जो लवणता है ये सबसे प्रमुख कारण है सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का, इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उच्च परिमाण और स्तर वाले इन्वेंशन से संबंधित क्रियाकलापों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए द्वितीय क्रियाकलाप, बी पंचम क्रियाकलाप, सी चतुर्थ क्रियाकलाप, या फिर डी इनमें से कोई नहीं।
उच्च परिमाण और स्तर वाले इन्वेंशन से संबंधित क्रियाकलापों को कहा जाता है चतुर्थ क्रियाकलाप। इसका जो से उत्तर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत कौन है? ए नहर, बी नलकूप, सी तालाब या फिर डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर भारत में सिंचाई यानी कृषि को कृषि में सिंचाई की जरूरत होती है, उनको खेत में नमी की जरूरत होती है, उसके लिए कौन सा जो साधन है वो उपयोग किया जाता है आपको बताना है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा नहर। नहर की बात करें तो नहर उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित खनिजों में किसको भूरा हीरा कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए लौह अयस्क को, बी अभ्रक को, सी मैग्नीज को या फिर डी लिग्नाइट को। तो लिग्नाइट तो कोयले का एक प्रकार है। भूरा हीरा कहा जाता है मैग्नीज को। इस प्रकार इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित राज्यों में किसमें कैगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कैगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है? आपके ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी कर्नाटक या फिर डी गुजरात। तो कैगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र जो स्थित है कैगा कर्नाटका में है। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। लेकिन वहीं पूछे कि उत्तर प्रदेश में कौन सा है, उत्तर प्रदेश में भी एक नाभिकीय ऊर्जा केंद्र स्थित है जिसका नाम है नरौरा। नरौरा जो नाभिकीय ऊर्जा केंद्र है वो उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र में तारापुर है और गुजरात में काकड़ापारा है। ठीक है, खैर यहाँ वो नहीं पूछा है लेकिन आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, ये भी पूछ लिए जाएंगे हो सकता है। तो इस प्रकार इसका दूसरा उत्तर होगा ऑप्शन ए सी है कर्नाटक। अगला प्रश्न है, बैलाडीला लावयस्क क्षेत्र जो बैलाडीला है किस राज्य में स्थित है? ठीक है, आपके ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी झारखंड, सी मध्य प्रदेश या फिर डी छत्तीसगढ़। तो जो बैलाडीला लावयस्क क्षेत्र है वो छत्तीसगढ़ में स्थित है। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रझोर मैग्नीज क्षेत्र स्थित है ए मध्य प्रदेश, बी झारखंड, सी उड़ीसा में या फिर डी छत्तीसगढ़ में। तो केंद्रझोर मैग्नीज क्षेत्र स्थित है उड़ीसा में, और उड़ीसा जो है भारत में सबसे ज्यादा मैग्नीज का उत्पादन करने वाला राज्य है। सबसे ज्यादा अगर कहीं मैग्नीज होता है तो उड़ीसा में ही होता है। और मैग्नीज से संबंधित एक प्रश्न हमने ऊपर देखा कि भूरा हीरा कैसे कहा जाता है, तो मैग्नीज को ही कहा जाता है। इस प्रश्न पत्र में हर एक प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाते हैं, ये कोई साधारण नहीं है बल्कि पिछले वर्ष पूछा गया प्रश्न है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आप इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लें ज्यादा बेहतर होगा। इस प्रकार इसका दूसरा उत्तर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, केंद्रझोर मैग्नीज क्षेत्र स्थित है उड़ीसा में। आगे चलेंगे, पूछता है कि निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का एक गैर परंपरागत स्रोत है? ए कोयला, बी जल विद्युत, सी सौर ऊर्जा या फिर डी खनिज तेल। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सौर ऊर्जा। जो सोलर एनर्जी है वो गैर परंपरागत स्रोत है। ठीक है, अगला है, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है ए कोलकाता हावड़ा, बी कोलकाता मेदिनीपुर, सी कोलकाता रिसरा या फिर डी कोलकाता कोनगर। प्रकार हुगली औद्योगिक केंद्र का जो हुगली औद्योगिक प्रदेश जो केंद्र है वो है कोलकाता हावड़ा। इस प्रकार इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला है, भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था ए 1936 में, बी 1911 में, सी 1923 में या फिर डी 1927 में। तो जो भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम है उसको प्रसारित किया गया था 1923 में 1923 में मुंबई के रेडियो क्लब से। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा 1923। अगला है, भारतीय रेल की शुरुआत कब हुई भैया भारत में? आपको बताना है ए 1853 में, बी 1753 में या फिर सी 1863 में या फिर डी 1760 में। अब देख सकते हैं कितने अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पूछ रहा है कि भारतीय रेल की शुरुआत, कितना सरल प्रश्न है। भारतीय रेल की शुरुआत हुई थी 1853 ईस्वी में मुंबई से ठाणे के बीच में, 34 किलोमीटर की रेल लाइन थी और लॉर्ड डलहौजी के समय में इसको चलाया गया था 1853 ईस्वी में मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1853। अगला प्रश्न है, कोचीपतन अवस्थित है? आपका ऑप्शन है ए कर्नाटक में, बी उड़ीसा में, सी केरल
केरल में या फिर डी तमिलनाडु में। तो जो कोचीपतन है वो कोचीपतन स्थित है केरल में, वो केरल के ही केरल के तटीय इलाके में कोचीपतन अवस्थित है। वहीं से थोड़ा दूर में कोझिकोड बंदरगाह भी, कोझिकोड जो एयरपोर्ट है वो भी है। तो जो कोचीपतन है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा केरल में स्थित है। ठीक है आगे चलेंगे। जलजन्य रोग है आपके ऑप्शन ए श्वसन संक्रमण, बी नेत्र संश्लेष्मल शोथ, सी अतिसार या फिर डी श्वसनली शोथ। तो जलजन कहने का मतलब जल से होने वाले, जल के कारण पानी के कारण होने वाले रोग कौन है भैया? ए श्वसन संक्रमण तो होगा नहीं, नेत्र संश्लेष्मल शोथ भी नहीं होगा, श्वसनली शोथ भी नहीं होगा, अतिसार। आप हिंदी में नहीं समझ रहे होंगे, शुद्ध हिंदी दम है अतिसार। इसका सही अर्थ होता है डायरिया। आपने डायरिया सुना होगा, डायरिया जलजन रोग है, गंदे पानी के सेवन से, दूषित पानी के सेवन से यह डायरिया हो जाता है। तो जलजन्य रोग है डायरिया, आप इंग्लिश में देख सकते हैं डायरिया सही लिखा हुआ। ठीक है तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, डायरिया। अतिसार आपको थोड़ा ना समझ में आए लेकिन डायरिया से आप जल्दी ही रिकॉल कर पाएंगे। ठीक है तो आप डायरिया ही याद रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगालोपोलिस है? ए मुंबई, बी दिल्ली, सी कोलकाता या फिर डी चेन्नई। तो सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पाई जा रही है अभी? ये सभी जो है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, ये चारों भारत के महानगर हैं। लेकिन जो मुंबई है, मुंबई में विशाल जनसंख्या पाई जाती है, यहाँ एक मेगालोपोलिस नगर है। ठीक है इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है धारावी मलिन बस्ती स्थित है? आपके ऑप्शन है ए कोलकाता में, बी मुंबई में, सी दिल्ली में या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो धारावी मलिन बस्ती है वो मुंबई में स्थित है और सबसे गंदी बस्ती कह सकते हैं, और बहुत ही कम जगह में बनाए गए हैं, बहुत ही लोग सघन जनसंख्या कह सकते हैं पर निवास करते हैं, स्लम एरिया है, मलिन बस्ती है धारावी जो मुंबई में स्थित है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन मानव और पर्यावरण के बीच अन्योन्याश्रय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? आपके ऑप्शन है ए मानव बुद्धिमत्ता, बी प्रौद्योगिकी जिसे हम टेक्नोलॉजी कहते हैं, सी लोगों का अनुभव या फिर डी मानवीय भाईचारा। तो जो मानव और पर्यावरण के बीच अन्योन्याश्रय का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है वो है मानव बुद्धिमत्ता, जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है ये सबसे महत्वपूर्ण कारक है। अगला प्रश्न है नियतिवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? ए प्राकृतिक घटक, बी मानवीय घटक, सी ए और बी दोनों या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, प्राकृतिक घटक नियतिवाद संकल्पना में माना जाता है। और ग्रिफिथ टेलर एक व्यक्ति थे, विद्वान थे या फिर वैज्ञानिक थे जिन्होंने ही नीतिवाद संकल्पना का विचार दिया। तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, नीतिवाद संकल्पना को देने वाले व्यक्ति या वैज्ञानिक का नाम क्या था? ग्रिफिथ टेलर। एक प्रश्न आया था इससे पहले शुरू में ही कि संभववाद विचारधारा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है, तो उसमें प्राकृतिक और मानवीय घटक दोनों होगा लेकिन इसमें नीतिवाद वाले में सिर्फ प्राकृतिक घटक होगा। ठीक है तो इस प्रकार इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए प्राकृतिक घटक। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन रोपण फसल नहीं है? ए कॉफी, बी गेहूं, सी गन्ना या फिर डी रबर। ये जो प्रश्न है दो बार लिखा टाइप हो गया है, तो आप देख सकते हैं कि जो एनुअल पेपर होता है उसमें भी सेम सेम जो प्रश्न है वो दो बार कॉपी हो चुका है, यानी एक प्रश्न के दो नंबर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, गेहूं होने वाला है, क्योंकि गेहूं जो है रोपण फसल नहीं है, यह एक रबी फसल है। इस प्रकार इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। ठीक है आगे चलेंगे कि निम्नलिखित में कौन प्राथमिक क्रियाकलाप है? आपका ऑप्शन है ए खेती, बी व्यापार, सी बुनाई या फिर डी जूट उद्योग। प्राथमिक क्रियाकलाप नहीं है, सॉरी प्राथमिक क्रियाकलाप है खेती, जो फार्मिंग है खेती प्राथमिक क्रियाकलाप है। बुनाई देखा जाए तो बुनाई द्वितीय क्रियाकलाप है, व्यापार द्वितीय क्रियाकलाप है, जूट उद्योग ये भी द्वितीय क्रियाकलाप है। प्राथमिक क्रियाकलाप क्या है? तो खेती है, फार्मिंग करना है प्राथमिक क्रियाकलाप है। इसके अलावा पशुपालन हो गया, मधुमक्खी पालन हो गया, खनन हो गया, ये सब भी प्राथमिक क्रियाकलाप में ही आते हैं। मछली पकड़ना भी प्राथमिक क्रियाकलाप में है। ठीक है अगला प्रश्न है स्वेज नहर जोड़ती है
किसे जोड़ती हैं? ए हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से, बी प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से, सी अटलांटिक महासागर को अंटार्कटिक महासागर से, सॉरी आर्कटिक महासागर से, या फिर डी लाल सागर को भूमध्य सागर से। जो स्वेज नहर है, स्वेज नहर जो होती है लाल सागर को, रेड सी को, भूमध्य सागर से, मेडिटेरियन सी से। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, लाल सागर को भूमध्य सागर से स्वेज नहर जोड़ती है। स्वेज नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। पूछ रहा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? आपके ऑप्शन है ए उड़ीसा में, बी पश्चिम बंगाल में, सी महाराष्ट्र में, या फिर डी गुजरात में। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पश्चिम बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में है। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है नदी के सहारे बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा? आपके ऑप्शन है ए आयताकार, बी अरिये, सी वृत्ताकार, या फिर डी रेखा रेखीय। जो नदी होती है, नदी के सहारे, नदी के दोनों छोरों पर बसे हुए गांव होते हैं, तो एक तरह से देख सकते हैं कि वो रेखीय होता है, यानी एक सीध में होता है, एक लाइन में होता है। तो जो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, मिटा देने दीजिए। तो नदी के जो सहारे बसा गांव होगा वो रेखीय प्रतिरूप में आएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? आपके ऑप्शन है ए अरुणाचल प्रदेश, बी मेघालय, सी केरल, या फिर डी असम। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? तो होगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में मात्र 17 व्यक्ति ही प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, अर्थात 1 किलोमीटर के दायरे में 17 व्यक्ति ही रहते हैं, जो सबसे कम जनसंख्या घनत्व दर्शाता है। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए होगा अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी थी? ए 10.41 करोड़, बी 11.41 करोड़, सी 9.61 करोड़, या फिर डी 8.51 करोड़। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए होने वाला है, 10.41 करोड़ बिहार की जनसंख्या थी 2011 के जनगणना के अनुसार। ठीक है, आगे चलेंगे। पूछता है निम्नलिखित में से निम्नलिखित राज्यों में किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? आपके ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश की, बिहार की, पश्चिम बंगाल की, या फिर महाराष्ट्र की। तो बिहार किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सर्वाधिक है। ध्यान रहे, ये नहीं पूछ रहा है कि नगरीय जनसंख्या, सिर्फ जनसंख्या पूछ रहा है कि किसकी जनसंख्या जो है सर्वाधिक है। तो उत्तर प्रदेश का चूंकि क्षेत्रफल ज़्यादा है, क्षेत्रफल ज़्यादा है तो जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा होगी, चूंकि समतल भूमि वाला इलाका है, ये मैदानी इलाका है, इसलिए ऑप्शन ए जो होगा उत्तर प्रदेश सही उत्तर हो जाएगा। बिहार में देखा जाए तो बिहार में जनसंख्या ज़्यादा नहीं है, जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है, यानी लोग बहुत करीब करीब सटे हुए रहते हैं। जो बिल्डिंग्स यहाँ देखेंगे तो बहुत ही करीब करीब होंगे। ठीक है, और महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में जो नगरीय आबादी वो सबसे ज़्यादा है, खासकर मुंबई वाले इलाके में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में जनसंख्या सर्वाधिक है। अगला है हॉर्टिकल्चर संबंधित है। ए फूल से, बी अन्न से, सी दाल से, या फिर डी फल एवं सब्जी दोनों से। तो जो हॉर्टिकल्चर है वो फल एवं सब्जी दोनों को उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न है शुष्क क्षेत्रों में मृदा अपरदन का मुख्य कारण है? ए वनावलिका अपरदन, बी सिल्ट जमाव, सी वायु अपरदन, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो शुष्क क्षेत्र होते हैं जहाँ सूखा पड़ा रहता है, वैसे क्षेत्रों में मृदा का अपरदन तो मुख्य कारण क्या है? तो वायु अपरदन, क्योंकि मिट्टी सूखी हुई होती है, हवाएं जोर से चलती हैं तो धूल जोड़ जाते हैं, इसलिए वहाँ की मिट्टी कटती रहती है सालों साल, वहाँ पे थोड़ा न थोड़ा मिट्टी जो है हटती रहती है। तो इस प्रकार देखा जाए तो वहाँ की जो मिट्टी में कटाव होते रहता है और उसका मुख्य कारण है वायु, वायु के चलने के कारण ही शुष्क क्षेत्रों में मृदा का अपरदन हो रहा है। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत कौन है? ए नहर, बी नलकूप, सी तालाब, या फिर डी इनमें से कोई। तो दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत की बात करें तो दक्षिण भारत में मुख्य स्रोत है तालाब।
उत्तर भारत में एक प्रश्न आया था कि उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत कौन है, इसी प्रश्न पत्र में आया है, मैंने पीछे आपको बताया होगा। दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत तालाब है, लेकिन उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में नहर होगा, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, तालाब। अगला प्रश्न है, तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है कहाँ, अवस्थित है तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र, इसको भी मैंने डिस्क्राइब किया था पीछे, ए उत्तर प्रदेश में, बी महाराष्ट्र में, सी कर्नाटक में, या फिर डी गुजरात में। तो जो तारापुर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है वो महाराष्ट्र में है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, कर्नाटक में कैगा है, उत्तर प्रदेश में नरोरा है, और गुजरात में काकड़ापारा है, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, नोवा मुंडी लौहायस्क क्षेत्र स्थित है कहाँ स्थित है, आपको बताना है, ए महाराष्ट्र में, बी झारखंड में, सी मध्य प्रदेश में, या फिर डी छत्तीसगढ़ में। तो नोवा मुंडी लौहायस्क क्षेत्र स्थित है झारखंड में, सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति शुरू हुई थी, ए 1950 के दशक में, बी 1960 के दशक में, सी 1970 के दशक में, या फिर डी 1980 के दशक में। तो भारत में हरित क्रांति शुरू हुई थी 1960 के दशक में, अगर एक्यूरेट आंसर बताया जाए तो 1966, 1966 में तृतीय पंचवर्षीय योजना के समय हुई थी हरित क्रांति की शुरुआत, ठीक है। आगे चलेंगे, कोलकाता पतन स्थित है, ए कर्नाटक में, बी उड़ीसा में, सी केरल में, या फिर डी पश्चिम बंगाल में। तो जो कोलकाता पतन है पश्चिम बंगाल में है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला है, कि निम्नलिखित रोगों में से कौन वायुजन्य नहीं है, ए श्वसन संक्रमण, बी नेत्र श्लेष्मल शोथ, सी अतिसार जिसे हम डायरिया कहते हैं, सॉरी डायरिया कहते हैं, या फिर डी श्वास नली शोथ। तो जो वायुजन्य यानी हवा के कारण होने वाला रोग नहीं है, तो ये जो सभी है श्वसन संक्रमण, नेत्र श्लेष्मल शोथ और श्वास नली शोथ, ये सभी वायु के कारण होते हैं, प्रदूषित वायु के कारण होते हैं। लेकिन जो अतिसार है जिसे हम डायरिया कहते हैं वो तो जल के कारण होता है, अतिसार एक जल जन्य रोग है, नहीं न कि वायुजन्य रोग है, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जल जन्य रोग अतिसार है न कि वायुजन्य रोग है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि ब्राजील के कॉफी क्षेत्रों को क्या कहा जाता है, आपके ऑप्शन है ए जेंडा, बी एजेंडा, सी मिल्पा, या फिर डी लदांग। तो ब्राजील के जो कॉफी के क्षेत्र हैं उनको फेजेंडा कहा जाता है, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। और ब्राजील है कहाँ, तो ब्राजील दक्षिण अमेरिका का एक देश है ब्राजील, जहाँ अमेजन बेसिन के कुछ क्षेत्र टच होते हैं, ठीक है। आगे चलेंगे, मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क अवस्थित है, ए सिक्किम में, बी कर्नाटक में, सी आंध्र प्रदेश में, या फिर डी तमिलनाडु में। तो मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कर्नाटक में है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन है, ए रावी, बी गोदावरी, सी ब्रह्मपुत्र, या फिर डी यमुना। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यमुना नदी भारत में सर्वाधिक प्रदूषित नदियों में एक है और सबसे प्रदूषित नदी है यमुना नदी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन पश्चिमी भारत की नदी बेसिन है, ए माही बेसिन, बी कोसी बेसिन, सी गंगा बेसिन, या फिर डी सोन बेसिन। तो जो पश्चिम भारत है आप देखे होंगे भारत का जब नक्शा, ये जो ये वाला इलाका है ये पश्चिम वाला इलाका है, इस इलाके में भारत की नदी बेसिन है जो माही बेसिन है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए माही बेसिन दक्षिण भारत की, सॉरी पश्चिम भारत की नदी बेसिन है। अगला है, सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है, आपके ऑप्शन है ए गंगा डेल्टा, बी कृष्णा डेल्टा, सी गोदावरी डेल्टा, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत में सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र गंगा डेल्टा ही है, गंगा डेल्टा वाले क्षेत्रों में जूट भारी मात्रा में और अच्छी फसल के साथ पैदावार होती है, ठीक है। आगे चलेंगे, बाबा बुदन पहाड़ी है, ए कर्नाटक में, बी गोवा में, सी झारखंड में, या फिर डी उड़ीसा में। तो जो बाबा बुदन पहाड़ी है वो कर्नाटका में है, कर्नाटक में स्थित है, ऑप्शन ए सही
सही उत्तर होगा इसका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में कौन गोंडवाना कोयले के लिए प्रसिद्ध है? तो आपके ऑप्शन है ए नागालैंड, बी त्रिपुरा, सी तमिलनाडु या फिर डी झारखंड। तो गोंडवाना कोयले के लिए प्रसिद्ध झारखंड इलाका है, झारखंड है इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक। आपके ऑप्शन है ए स्थलाकृति, बी मिट्टी, सी प्राकृतिक वनस्पति या फिर डी जलवायु। तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला जो सबसे महत्वपूर्ण कारक है जलवायु है। वहाँ की स्थलाकृति कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर वहाँ की जो जलवायु है वो सही न हो, अर्थात समझिए कि वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती हो तो कैसे रहिएगा, नहीं रह सकते। बहुत ज़्यादा बारिश होता हो तब भी नहीं रह सकते। बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती हो तब भी नहीं रह सकते। यानी जलवायु बहुत मायने रखता है किसी भी जनसंख्या के निवास के लिए। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, जलवायु। अगला प्रश्न है, औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण होता है? आपके ऑप्शन है ए जल प्रदूषण, भी बी वायु प्रदूषण, सी ध्वनि प्रदूषण या फिर डी इनमें से सभी। तो जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, औद्योगिकरण है, उससे यानी औद्योगिकरण मीन्स उद्योग जहाँ होते हैं, बहुत बड़े बड़े उद्योग होते हैं, इंडस्ट्री होती है, तो वहाँ वायु प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है और ध्वनि प्रदूषण, क्योंकि बड़े बड़े मोटर चलते हैं, इससे बहुत ज़्यादा ध्वनि होती है, बहुत ज़्यादा आवाज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा नॉइज़ पॉल्यूशन होता है। जल प्रदूषण होता है क्योंकि बहुत बड़े बड़े फैक्ट्रियों में जल का काम बहुत ज़्यादा होता है, पानी को रिसाइकल भी नहीं किया जाता है, ठीक है? तो जल प्रदूषण भी होते हैं और वायु प्रदूषण तो होता ही है, जो धुएं होते हैं वो निकाले जाते हैं, काले काले धुएं बहुत घातक होते हैं। तो औद्योगिकरण से जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, साथ साथ मृदा भी प्रदूषित होती है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी हो सकता है, इनमें से सभी, ठीक है? अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न भी, कि हथकरघा उद्योग है जो हैंडलूम इंडस्ट्री है, किस प्रकार की इंडस्ट्री है? ए आधारभूत उद्योग, बी कुटीर उद्योग, सी स्वच्छंद उद्योग या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो हथकरघा उद्योग है, हैंडलूम इंडस्ट्री है, वह एक कुटीर उद्योग है, यानी छोटे पैमाने का उद्योग है, कॉटेज इंडस्ट्री है, ठीक है? यहाँ पे हमारा 70 जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है कंप्लीट हो चुके हैं, और ज्योग्राफी में बिहार बोर्ड में 70 ऑब्जेक्टिव्स ही पूछे जाते हैं, जिसमें 35 ऑब्जेक्टिव्स बनाने होते हैं, 35 प्रश्न बनाने होते हैं जो आप आसानी से बना सकते हैं, में कोई दो राय नहीं, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा 70-70 ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट होते हैं, जो 2021 में पूछा गया था बिहार बोर्ड की तरफ से ऑफिशियसली, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, ठीक है? तो आप इसे अच्छे से रिवाइज कर लें एक बार दोबारा, आप वीडियो को देख सकते हैं, अगर नहीं समझ में कोई क्वेश्चन तो आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। अब अगर इसकी PDF चाहिए होगी तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम वीडियो को जो PDF होगा उसे हम प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कराना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, स्टे फॉर नेक्स्ट एपिसोड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।